चाहेंगे दीपक सावंत अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होगा? पहले अपना परिचय दीजिए पूरा नाम। नहीं, मेरा नाम है दीपक दत्ता सावंत। मेरे पिताजी मेकअप आर्टिस्ट थे और उन्होंने काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम किया। उस ज़माने में आर्टिस्ट पर्सनल नहीं रखते थे, कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट हुआ करते थे। उसके बाद में राजेश खन्ना जी जो है उन्होंने ये पिक्चर में पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट शुरू किया और अभी सारे के सारे जितने भी आर्टिस्ट है, जो लड़कियां हैं वो भी रखती है, लड़के हैं वो भी रखते हैं, और अमित जी और ये सब लोगों ने अपने अपना एक मेकअप आर्टिस्ट, एक हेयर ड्रेसर ऐसा रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेहनती हूँ, मैं काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। और अमित जी के पहले भी मैंने कभी मेहनत में कमी नहीं की और मैं हमेशा हमेशा विचार में ये रहता था कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ उससे बेहतर काम क्या कर सकता हूँ, उससे और अच्छा कैसे मैं बन सकता हूँ, और मैं ये काम के अलावा दूसरा काम करके मैं अपने आप को कैसे स्थापित कर सकता हूँ। तो वो पहले से मेरी आदत थी। अमित जी के साथ मिलने के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ मिलने के साथ, जब मैं उनके साथ काम शुरू किया तब मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ज़्यादा तो मेहनती वो भी है और वो इतनी मेहनत करते, उम्र के आज 76 साल हो गए लेकिन एक मिनट भी बैठते नहीं है, हर वक्त वो काम करते रहते हैं। लोग बोलते हैं वर्क होलिक, मैं बोलता हूँ अमित जी वर्क होलिक से भी ज़्यादा है। और उनके साथ रह के और उनके साथ काम करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है उनके उनसे। और वो जिस प्रकार मेहनत करते तो हमको भी ऐसा लगता है कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उनकी मेहनत को, उनकी लगन को, उनका डेडिकेशन को देख के हम हमारे में भी वो आत्मसात किए हम लोगों ने। और हम भी रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हम मेहनत करने से चूकते नहीं हैं। और मेकअप के अलावा इस वक्त मैं चाहूँगा कि अच्छी अच्छी फिल्में बने। तो ऑलरेडी मैंने 3-4 फिल्में बनाई, तो 3-4 फिल्मों में अमित जी, जया जी, हेमा जी और कई लोगों ने मेरे उस उन फिल्म में काम किया, इसलिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज़्यादा अमित जी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा मेकअप आर्टिस्ट, और मेरे लिए उन्होंने हर पिक्चर में काम किया और मेरे जैसे एक छोटे से आदमी को बड़ा बनाने में, और मेरे नाम के नाम जो है आज, तो मेरे ख्याल से अमित जी की वजह से मेरा नाम है। और मैं चाहता हूँ कि वो सदा मेरे दम मरते दम तक मेरे उनके मेरे पीछे उनका हाथ रहे और साथ रहे। यही बस था कि दीपक सावंत मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते, किस चीज़, मतलब आपको आपके फादर ने जबरदस्ती डाला या आपने कभी सोचा था बचपन में सुपरस्टार का मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा? नहीं, फादर मुझे बोलते थे, मैं एक्चुअली लाइक नहीं करता था मेकअप, मेकअप मुझे पसंद नहीं था क्योंकि पिताजी को काम नहीं मिलता था, हम लोगों को घर में फाके घर में खाने के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पिताजी ने कहा कि तुम आके देखो और तुमको जो अच्छा जॉब लगता है वो जॉब चूज़ करो और वो काम करो। तो उसमें डायरेक्शन भी था, उसमें प्रोडक्शन भी था, उसमें बहुत सारे कैमरामैन थे। तो वो सारे देखने के बाद मैंने जब देखा कि उस ज़माने में राजेश खन्ना जी बहुत पॉपुलर स्टार थे और हमारे एक पिताजी जिसमें काम करते थे उस पिक्चर का नाम था दुश्मन। तो मैंने काका जी को आते देखा और ही इज़ द फर्स्ट पर्सन आई थिंक सो कि इज मर्सिडीज कार से आए थे और मर्सिडीज कार से उतर के एक बहुत ही सुंदर चिकना सा, बहुत ही हैंडसम एक हीरो कार से उतरे, मेकअप रूम में गए और जब बाहर निकले तो एक ट्रक ड्राइवर थे। तब मेरे दिल में, दिमाग में यह आया कि नहीं, मेकअप एक बहुत बड़ी आर्ट है
और वो आर्ट ऐसी है कि एक जिंदा इंसान को दूसरे इंसान में कन्वर्ट करता है। पेंटिंग निर्जीव होती है, पेंटिंग में आप जीव नहीं डाल सकते, लेकिन एक मेकअप में जीव डाल सकते, क्योंकि एक जीव को दूसरे जीव में, मतलब दूसरे कैरेक्टर में आप ढाल सकते हो, दूसरे कैरेक्टर में उनको पहुंचा सकते हो, दूसरे कैरेक्टर में उनको पेश कर सकते हो। इसलिए मुझे वो मेकअप अच्छा लगा था। लेकिन अभी ये सब इतना काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इससे बड़ा काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आगे जितनी भी हो पिक्चरें बनाने का, और पिक्चरों में सबसे बड़ा काम करके, ऑलरेडी 4-5 पिक्चरें बनाई है, लेकिन उससे भी बड़ी पिक्चरें बनाने का और बड़ा नाम करने का, और लोगों तक एक साफ सुथरी फिल्म इसलिए मैं देना चाहता हूँ क्योंकि आज के ज़माने में जितनी गंदगी भरी हुई है, और लानत है ऐसे लोगों पे जो गंदगी बेचते हैं, उससे बेटर काम धंधा छोड़ दे, कोई दुकान खोल दे और गंदगी बेचना बंद कर दे। हमारी इंडस्ट्री में गंदगी बेचना और लो ये गंदगी निकाल के आप दुनिया को देते हो, दुकान दुनिया को दिखाते हो, ये गंदगी से बेटर है कोई दूसरा काम कर लो। मेरा मानना यह है कि पहले भी साफ़ सुथरी फिल्में बनती थी और खूब चलती थी, आज भी साफ़ सुथरी पिक्चरें बनाइए और खूब चलेगी। मैं बोलता हूँ खूब चलेगी, गंदगी में मत जाओ। और बड़े से बड़े प्रोड्यूसर और छोटे से छोटे प्रोड्यूसर, उनको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, गंदी पिक्चरें मत बनाओ, अच्छी पिक्चरें बनाओ, अच्छी पिक्चरें बनाओ। अमिताभ बच्चन का कितना एक्सपोजर मिलता है? और इसलिए कभी आप जा रहे हो, फिर जानते हैं आपको फोटो लेते हैं, वो वाक्य बताइए। क्या हुआ, एक दिन एक पेपर में आया था, गुजराती पेपर था, गुजराती लोग कैलकुलेशन में बहुत मास्टर रहते हैं, और कैलकुलेशन करने में वो मास्टर होने की वजह से वो उन्होंने क्या किया था कि दीपक सावंत अमित जी को एक दिन में 100 बार हाथ लगाता है, तो एक महीने में वो 3000 बार हाथ लगाता है, 3000 बार हाथ लगाता है तो महीने में, एक साल में वो 36000 बार हाथ लगाता है, 36000 बार हाथ लगाता है एक आदमी दीपक सावंत, और 36000 मल्टीप्लाई बाय 45 ईयर्स। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके वो अमाउंट बता दी थी कि इतने लाख इतने करोड़ इसमें इन्होंने हाथ लगाया है। बाकी लोगों को तो अमित जी को देखने को मिलता है, वो मेरा सौभाग्य है कि कम से कम ऊपर वाले की मेहरबानी है, आशीर्वाद है जो मुझे अमित जी को छूने का चांस मिलता है। और उसके नीचे उन्होंने इतना लिखा था, इतनी बार जया जी ने भी हाथ नहीं लगाया होगा। आपके बेटे भी क्या यही काम करेंगे अभी, पीढ़ी दर पीढ़ी? नहीं, मेरा नहीं, हमारी मेरा ब्यूटी क्लिनिक है, अंकुर ब्यूटी क्लिनिक करके, वो दहसर में चलता है, राउंड अबाउट काफ़ी लोग काम करते हैं। आज भी करता हूँ। वो किसी दूसरे बिलीव नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई गेटअप्स विटअप्स होते हैं, प्रोस्थेटिक मेकअप होता है, तो थोड़ा बाहर से आते हैं, बाकी इधर के जितने भी मेकअप है वो मैं ही करता हूँ। कैसा मेकअप पसंद करते हैं बिग बी? बिग बी कैरेक्टर में ढलना पसंद करते हैं, जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, वो प्ले करने के बाद वो कोई भी कैरेक्टर आप देखें ना, पुरानी पिक्चर से लेके अब तक की, वो हर कैरेक्टर में ढल जाते हैं बिकॉज ऑफ मेकअप, कपड़े, हेयर स्टाइल, इसकी वजह से वो कैरेक्टर में जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो कैरेक्टर में चले जाते हैं। इसलिए अच्छा है आपका जो बनना चाहते हैं कोई अभी भी इतने बड़े होकर? मेरा एक सपना है, वो मैं पहली बार जब मोदी जी से मिला, मोदी जी से मिलने के बाद मोदी जी ने मेरे को नाम से बुलाया, दीपक सावंत इधर आइए करके, तब मेरे को लगा कि नहीं, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने 8 इनोवेशंस किए, मैंने 8 इनोवेशंस किए, वो इनोवेशंस अगर देश में लग जाए, वो अगर सारे इनोवेशंस देश में लग जाए, तो भारत सुधरने में या भारत खूबसूरत दिखने में, जितना मैं अमित जी का मेकअप करके खूबसूरत बनाता हूँ, उतना ही मैं भारत को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। वो मेरे जितने भी इनोवेशंस है वो शुरू हो जाए या गवर्नमेंट उसको अपना ले, तो मैं ट्रैफिक निकाल सकता हूँ, मैं पर्यावरण सुधार सकता हूँ, मैं ड्रेनेज सुधार सकता हूँ, मैं आपका जो हॉकर्स प्रॉब्लम निकाल सकता हूँ,
मैं आपका स्मार्ट विलेजेस बना सकता हूँ, मैं आपके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि मैं देश के कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ काम आ जाऊँ। थैंक यू सर।